गुड़ जाता है पापा। तो ये आवाज आपने सुनी है, ये देखिए, ये यहाँ पे भीम जी का बिस्तर सुखाया गया था, दर्शन भी कर सकते हैं। ये एक यहाँ पे नोट लगाया गया है, पीकर या लेकर आ रहे हैं तो कृपया लौट जाएं, ये केशियों की अपना आसम। आपको एक जमीन के नीचे की आवाज सुनाते हैं। हम लोग कूदेंगे और एक आवाज आएगी, करो ऐसे काको गड्ढा जाता है पापा। तो ये आवाज आपने सुनी है कि एक डिफरेंट आवाज है जो कि यहाँ पे आती है। अबे काक के गड्ढा जाता है और वहाँ को जाता है ये गड्ढा। ये देखिए, ये यहाँ पे भीम जी का बिस्तर सुखाया गया था और ये टॉप ऑफ द लाइन है हम लोग। और ये मनसा देवी मंदिर का यहाँ से व्यू देखिए आप, ऑसम व्यू। ये देखिए यहाँ नीचे आपको दिखाया था वैजयंती ग्राउंड, इसका पाउडर बनाया जाता है। ये ग्राउंड, ये ग्रास है, इसकी खाल निकाल के इसका पाउडर बनाएंगे हम सुखा के। टॉप पे होती है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे वहीं मिलती है वैजयंती। जितनी ज़्यादा टॉप में जाएंगे ना पापा, पापा जितनी ज़्यादा टॉप में जाएंगे मिलेगी। यहाँ पे बहुत हो रही है, ये देखिए, ये भी हम टॉप पे हैं, इसके अगल बगल में कोई पहाड़ नहीं है। टॉप ऑफ द लाइन है। अब हम बादलों से बात करते हुए होंगे पीछे की साइड में। ये मंदिर हम आ चुके हैं, मंदिर है कम भ्रमण संग्रानी खेत। ये हम लोग स्वर्गपुरी में, स्वर्गपुरी में जाते हुए देखिए, रिकॉर्डिंग।
ये हम लोग मंदिर आ चुके हैं। प्रथम भ्रमण संघ रानीखेत आपका स्वागत करता है। ये हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ का मंदिर है और यहाँ पे कहा जाता था कि पांडव जी आए थे, यहाँ पे यहाँ रुके थे और भीम जी ने अपना बिस्तरा सुखाया था इधर। और जो मैंने अभी ग्राउंड में आपको ग्राउंड दिखाया आपको पीछे, वो भीम जी का बिस्तरा ही वहीं सुखा था और वहीं ग्रीन घास होती है हमेशा, और वो घास हमेशा ही रहती है जहाँ पे बजरदंती हो रही थी। बजरदंती तो आपको दिखाई है मैंने अभी, तो बजरदंती वहीं हो रही थी। आइए राधा कृष्णा का। ये बलवंत गिरी महाराज की समाधि है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर साल में हर बार मेले लगते हैं और भंडारे होते हैं और खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, स्कूली बच्चे आते हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ बो रखी हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, फल फूलों के, सेब के पेड़, अखरोट के पेड़ और रहने के लिए कॉटेज नीचे आप देख रहे हैं जिसमें पर्यटक आते हैं, विश्राम करते हैं। और इन खेतों में छोटी छोटी क्यारियों में जड़ी बूटियाँ हैं जो कि काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो कि हर जगह नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि अभी वज्रदंत दिखाई थी। अभी मैं आपको एक शॉट दिखाऊंगा इस वीडियो ब्लॉग के बाद, मैं ऐड कर दूंगा इसी ब्लॉग में। उसमें आपको इन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ है बाबा जी ने यहाँ पे कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे होती हैं और जो अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो वो सारे ब्लॉग वो आपको मैं ब्लॉग में ही ऐड करके दिखाऊँगा, क्योंकि वो ज़रूरी भी है। क्योंकि इतना टॉप पर है कि यहाँ पर जो ठंडी जगह पर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं हमारे, वज्रदंती शायद आप लोगों को पता होगा, वीको टर्मरिक वाले जैसे यूज़ करते हैं। ये पेड प्रमोशन नहीं है वीको टर्मरिक वालों का, लेकिन वीको वाले यूज़ करते हैं वज्रदंती, उनका पेस्ट आता है, पाउडर पेस्ट आता है। इसी तरीके से तो वो वज्रदंती दांतों के लिए बहुत गुणकारी है, लाभकारी कहलाई जाती है। तो उसको ये यहाँ पर ऐसी जगह पर मिलती है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है और उसको पेस्ट, आपके दांतों में दर्द, पायरिया वगैरह की दिक्कत है, वो सारी चीज़ों से शॉर्ट आउट होती हैं। अभी जैसे कि आपने देखा होगा, कंचन जी ने बताया कि ये सारे कॉटेज बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप रेस्ट के लिए रुक सकते हैं। फैमिली के साथ आते तो आप आराम से यहाँ पे बाबा जी से कांटेक्ट करके रुक सकते हैं। यहाँ पे वैसे इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल प्रमोशंस के लिए भी है कि जड़ी बूटी अगर एजुकेशन के बारे में या कॉलेज वगैरह, और कॉलेज वाले भी अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन 15 दिन प्योर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर इनके पास डेट्स अवेलेबल होंगी तो ये आपको बुलाएंगे और बता देंगे हाँ इस डेट पे हमारे पास अवेलेबल है और आप आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक गाइडेंस गाइड जरूर आना कंपलसरी है, लाइक एक टीचर जो कि बच्चों को गाइड कर सके। और ये वाला ब्लॉग, ये पांडु खोली का पांडु ब्लॉग शायद ही आपको किसी ने दिखाया होगा। आइए आपको फ्रंट से दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए
ये बनाए हुए हैं पांडव, पांच भाई, अर्जुन, भीम, सभी नकुल साहब, और ऊपर आगे भी हम चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए ये टॉप वाले भी चले, पांडव मंदिर। भाई यहाँ देख क्या है, उछिलाल, क्या उछिलाल ये बाबा जी बच्चे मस्ती करते हुए। ओए यहाँ तो बहुत सारी चींटियाँ भी हैं, चींटियाँ पहचाने का रास्ता ये आपको कुछ नज़ारे दिखाएंगे यहाँ से टॉप से। किसी ने बाइक भी पहुँचा रखी है, ओह ये गजब। ये देखिए ये बिल्कुल टॉप पे हम आज आप पांडवगढ़ी मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। फिर मैंने जल्दी से पकड़ लिया, फिर मैं नीचे को जाया, अरे फिर टूटी हुई।